हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड प्राइम कोट, टेक कोट, बिटुमिनस बेसिस और सरफेस के बारे में। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। पहले पार्ट में हम प्राइम कोट और टेक कोट के बारे में समझेंगे और सेकेंड पार्ट में हम बिटुमिनस बेस और सरफेस के बारे में समझेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए सिर्फ इस वीडियो में प्राइम कोट और टेक कोट को ही कवर कर रहे हैं फ्रेंड। एसफाल्ट पेमेंट का जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिटुमिनस लेयर आप जब ले करते हैं सड़क पर, तो बिटुमिनस लेयर को ले करने के पहले हम वहां पर क्या करते हैं, एक लिक्विड बिटुमिनस स्प्रे करते हैं। यही जो लिक्विड बिटुमिनस स्प्रे होता है वो हमारा कहलाता है प्राइम कोट और टेक कोट। तो प्राइम कोट और टेक कोट करने के दौरान या करने के पहले आपको क्या क्या ऐसी ज़रूरी जानकारी हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, टेक्निकल स्टैंडर्ड इसके लिए क्या बोलते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड प्राइम कोट पहले हम चर्चा करते हैं प्राइम कोट के बारे में, ठीक है। प्राइम कोट क्या होता है, आपने देखा होगा फ्रेंड सड़क पर जब हम एसफाल्ट लेयर का लेइंग करते हैं, बिटुमिनस लेयर का लेइंग करते हैं, तो उसके पहले आप इस प्रकार से एक लिक्विड बिटुमिनस स्प्रे करते हैं। यही जो लिक्विड बिटुमिनस स्प्रे होता है, जो विस्कस बिटुमिनस मटेरियल होता है, वो हमारा कहलाता है प्राइम कोट। आप इस इमेज की हेल्प से समझ पाएंगे फ्रेंड, ये जो इमेज है इसके देखेंगे जब आप इसको, तो हम इस प्रकार से स्प्रे यहाँ पे करते हैं। ये स्प्रे जो होता है, बिटुमिनस स्प्रे जो होता है फ्रेंड, ये हमारा जो एग्जिस्टिंग बेस होता है, WBM का बेस हो सकता है, WMM का बेस हो सकता है या CRM बेस हो सकता है, इस पर हमने जो बिटुमिनस स्प्रे किया है, तो जब स्प्रे आप इसको करते हैं, ये हमने इस इमेज में देख रहे हैं बिटुमिनस स्प्रे कर रहे हैं, तो ये स्प्रे करने के बाद क्या होता है, जो हमारा लूज एग्रीगेट, इस इमेज में आपका लूज एग्रीगेट दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो स्प्रे है वो कर दिया है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज, ये वाली इमेज पे। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइम कोट का स्प्रे है, प्राइम कोट का जो लिक्विड मटेरियल है, वो अंदर तक पेनिट्रेट हो गया है। इससे होता क्या है फ्रेंड, इसके लिए जो खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ फ्रेंड, सिविल गुरु जी की साइड से कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियरिंग पर्पज़ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है फ्रेंड। इसकी जो फीस रखी हुई है वो है 14,847 रुपीज़, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, यानी लाइफ में आप जितने टाइम चाहे उतने बार इसको सीख सकते हैं। इसके लिए डेली डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 7 PM to 8 PM। इसके लिए जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। वहाँ से आप इस कोर्स के बारे में ज़रूरी जानकारी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीजर आपको रहेगी, क्या कंटेंट रहेंगे, वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से मिल जाएगी, या आप कॉल भी कर सकते हैं 9111001234 पर। फ्रेंड इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक WMM का प्रिपेयर्ड बेस है, इसके ऊपर हमें एसफाल्ट का लेइंग करना है। अब हम जब एसफाल्ट लेयर इस पे लेइंग करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर ले नहीं कर सकते हैं, इसके बीच में हमें क्या करना होगा, एक प्राइमर या बिटुमिनस स्प्रे करना होता है। ये जो बिटुमिनस स्प्रे होता है वो हमारी एसफाल्ट लेयर और जो बेस कोर्स की लेयर है उसको बॉन्ड करने का काम करता है। ये कैसे काम करता है, इसके बारे हम और आगे समझते हैं। प्राइम कोट क्या होता है पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्राइम कोट टिपिकली इज एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कोसिटी बिटुमिन ओवर ए ग्रेनुलर बेस, प्रिपेयरिंग इट फॉर लेइंग एन एसफाल्ट मिक्सचर ऑन इट। ए प्राइम कोट परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि नंबर वन है, कोट्स एंड बॉन्ड लूज मटेरियल पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ द बेस। नंबर टू, हार्डन और टफन्स द सर्फेस ऑफ द बेस। नंबर थ्री, वाटर प्रूफ द सर्फेस ऑफ द बेस बाय प्लगिंग कैपिलरी और इंटरकनेक्टेड वॉइड्स प्रोवाइड एडिशन ऑन बॉन्ड बिटवीन द बेस एंड एसफाल्ट मिक्सचर। और नीचे लिखा है, प्राइम कोट शुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स सो दैट इट सीप्स डाउन विथ इन द बेस कोर्स एंड डज नॉट फॉर्म बॉन्ड ऑन द बेस कोर्स। अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम इमेज की हेल्प से क्लियर करते हैं। जैसा कि आप इस वाली इमेज में देख पा रहे होंगे फ्रेंड, इसमें हमने प्राइम कोट का स्प्रे किया है। प्राइम कोट का स्प्रे हम
रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो हमें रिकमेंडेड की गई है IRC स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें स्प्रे कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्प्रे करने के बाद इसको हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। 24 आवर्स छोड़ने के बाद क्या होता है फ्रेंड, ये जो हमारा बिटुमिनस स्प्रे होता है वो हमारी जो एग्रीगेट की लेयर है उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। अब बिकॉज ये एक बिटुमिनस स्प्रे होता है इसलिए ये सूखने के बाद क्या करता है, हमारा जो एग्रीगेट है जो टॉप अपर सरफेस होती है जो एग्रीगेट की, वो क्या होती है, लूज हो जाती है। लूज होती है तो इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट एस्फाल्ट लेयर का पेमेंट कर देंगे, लेयर डाल देंगे, तो हमारी जो बिटुमिनस लेयर है उसमें भी रट्स आ जाते हैं, वो भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हम इस पर प्राइम कोट करते हैं। प्राइम कोट से करने से हमारा जो ऊपर का लूज एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, बॉन्ड हो जाता है, एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाता है, उसका एडिशन हो जाता है, इसलिए हम प्राइम कोट किया जाता है। और दूसरा प्राइम कोट का पर्पज़ ये होता है फ्रेंड कि हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, अपवर्ड साइड में राइज करता है, अपवर्ड साइड में जाता है, जिससे अगर हम ये कैपिलरी वाटर हमारा ऊपर तक चला जाएगा तो ऊपर जो हमने एस्फाल्ट लेयर यहाँ पे की है ये एस्फाल्ट लेयर हमारी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जो हमारा कैपिलरी वाटर जो ऊपर की साइड राइज कर रहा है, इसको रोकने के लिए, इसको अब यहाँ तक हमारा प्राइम कोट हो गया तो हमारा जो कैपिलरी वाटर है वो यहीं पर रुक जाएगा, ऊपर तक नहीं जा पाएगा, जिससे एक ये प्रकार से वाटर प्रूफिंग का भी जो हमारे बेस कोर्स की लेयर है उसकी वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है और कैपिलरी वाटर को भी ऊपर चढ़ने से रोकता है। और दूसरा यह है कि हमारा जो एग्रीगेट है उसको अच्छी तरह से बॉन्ड करता है, जिससे जो हमारी एग्रीगेट की सरफेस है, बेस कोर्स की सरफेस है, वो अच्छी तरह से इंटैक्ट हो जाए और एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहा हूँ फ्रेंड, ये हमारी जो बेस कोर्स की लेयर है या WMM की लेयर, इसके ऊपर हमने प्राइम कोट कर दिया है। और प्राइम कोट करने के बाद हम इस पर एक टैग कोट की लेयर भी करते हैं, टैग कोट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो इस प्रकार से एक बिटुमिनस स्प्रे आपको बिफोर लेइंग और एस्फाल्ट मिक्सर करने के पहले आपको स्प्रे करना होती है। इसके लिए और क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं टैग कोट के बारे में। टैग कोट क्या होता है, टैग कोट आल्सो नोन एज बॉन्ड कोट, इट इज ए लाइट एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन बिटवीन हॉट मिक्स बिटुमिनस लेयर एंड डिजाइन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बॉन्ड विदाउट स्लिपेज। इट इज आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन ऑफ रोड टू अचीव बेटर स्ट्रेंथ। टैग कोट भी एक प्रकार से आपका बिटुमिनस स्प्रे या बिटुमिनस इमल्सन ही होता है, जो कि आपको देखने में प्राइम कोट की तरह लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ केमिकल डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं टैग कोट के फंक्शन बता देता हूं। तो टैग कोट को हम एक बॉन्ड कोट भी बोलते हैं, जो कि बिटुमिनस स्प्रे का लाइट यानी कम मात्रा में किया हुआ स्प्रे होता है। ये काम क्या करता है फ्रेंड, इसका काम ये होता है जो हमने WMM के ऊपर जो प्राइम कोट किया है, प्राइम कोट हमारा क्या होता है WMM या बेस कोर्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और पेनिट्रेट होने के बाद ये सूख जाता है और सूख के क्या होता है, ये हमारी जो एग्रीगेट की लेयर उसको एक दूसरे से बांध देता है, उसको इंटैक्ट कर देता है, वाटर प्रूफिंग कर देता है। अब इसके बाद हम इसको 24 घंटे छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद जब ये हमारा अच्छी तरह सूख जाएगा प्राइम कोट, तो इसके ऊपर हम प्राइम टैग कोट का भी स्प्रे करते हैं। अब ये टैग कोट क्या करता है, जो हमने बेस कोर्स की लेयर की है, उस बेस कोर्स की लेयर को जो हम नेक्स्ट एस्फाल्ट लेयर करने वाले हैं, उस एस्फाल्ट लेयर के बीच में एक बॉन्डिंग का काम करता है। बॉन्डिंग से मतलब एक, जैसे आप फेविकोल चिपकाते हैं लकड़ी चिपकाने के लिए या कागज़ के चिपकाने के लिए आप नीचे फेविकोल लगा देते हैं, तो उस प्रकार से टैग कोट हमारा काम करता है, जो कि हमारी एस्फाल्ट लेयर और बेस कोर्स लेयर को एक दूसरे से बॉन्ड करता है। टैग कोट का दूसरा यूज फ्रेंड, बिकॉज ऑफ ये रैपिड सेटिंग होता है, ये जल्दी सूखने वाला विस्कस बिटुमिनस मटेरियल होता है, इसलिए हम इसको रिनोवेशन पैच वर्क में भी यूज कर सकते हैं, या कोई हमारी एस्फाल्ट लेयर डैमेज हो गई है तो वहाँ पर भी हम इसका रिनोवेशन और रिपेयरिंग के वर्क में भी इसका यूज कर सकते हैं। इंडियन रूट कांग्रेस के IRC नंबर 16/2008 में हमें इसके लिए गाइडलाइन दी हुई है कि प्राइम कोट और टैग कोट का जो वर्क है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो IRC 16/2008 आप चाहें तो गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग को ज्वाइन करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए दे दी है, वहाँ से भी आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मुझसे मांग सकते हैं। अब क्या क्या स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशंस इसमें दिए हुए हैं वो हम आगे चर्चा कर लेते हैं। पहले हम समझते हैं प्राइम कोट के बारे में, ठीक है।
प्राइम कोड की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या है और क्यों किया जाता है। तो प्राइमिंग इज स्प्रे ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ नॉन बिटुमिनस ग्रेनुलर बेस कोर्स प्रिपेरेटरी टू द सुपर इम्पोजिशन ऑफ बिटुमिनस ट्रीटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमिंग ए ग्रेनुलर सर्फेस आर एस अंडर। नंबर वन, टू पेनिट्रेट द एग्जिस्टिंग बेस कोर्स सर्फेस सो एज टू प्लग कैपिलरी वॉइड्स इन इट। नंबर टू, टू कोट एंड बॉन्ड लूज मिनरल्स पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ द बेस कोर्स। नंबर थ्री, टू सील सरफेस पोर्स एंड मेक द सरफेस ऑफ द बेस कोर्स वाटर रेसिस्टेंस। नंबर फोर, टू प्रोवाइड एडिशन बिटवीन द बेस एंड द सुपर इम्पोज बिटुमिनस सरफेस कोर्स इन कंजंक्शन विथ ए टेक कोट। ठीक है, तो मोटे तौर पे अगर हम समझे तो इसका जो मेन वर्क होता है वो कैपिलरी वॉइड्स जो रहते हैं हमारे बेस कोर्स की लेयर में, जो कैपिलरी वॉइड्स रहते हैं जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर की ओर आता है, तो उसको प्लग करने के लिए, उसको लॉक करने के लिए हम प्राइम कोट का वर्क करते हैं। और जो लूज मटेरियल होता है हमारी सरफेस का, जो हमारी एक्सपोज्ड सरफेस है बेस कोर्स की, उसका जो लूज मटेरियल है उसको ये बॉन्ड करता है, उसको एक दूसरे से चिपकाता है या उसका एडिशन करता है। ठीक है, और फिर जो हमारा फोर्थ अगर हम डिस्कस करें तो जो हमारे बेस कोर्स की लेयर है, उस बेस कोर्स के लेयर को करने के पहले हम एक टेक कोट का भी स्प्रे करते हैं, तो टेक कोट को ये बेस कोर्स से बॉन्ड करने का काम करता है, क्योंकि टेक कोट बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। ठीक है, इसलिए जो नीचे हमने प्राइम कोट किया है वो प्राइम कोट वर्क करता है टेक कोट, टेक कोट के थ्रू एस्फाल्ट लेयर को बॉन्ड करने के लिए। और आगे और समझते हैं हम फ्रेंड, क्लॉज नंबर 3.1.2, प्राइम कोट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर टेक कोट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू इंश्योर ए प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द सरफेस बीइंग पेव्ड एंड द न्यू बिटुमिनस कोर्स बीइंग प्लेस ओवर इट। देखिए, प्राइम कोट और टेक कोट दोनों अलग मटेरियल होते हैं, इसलिए आप एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आप इस ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्राइम कोट की जगह टेक कोट का स्प्रे कर दें या टेक कोट की जगह प्राइम कोट का स्प्रे कर दें, क्योंकि दोनों के जो फंक्शंस हैं, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं। प्राइम कोट का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है कैपिलरी वॉइड्स को लॉक करना और जो लूज मटेरियल है उसको बॉन्ड करना, जबकि टेक कोट का जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो है हमारी एस्फाल्ट पेमेंट और जो बेस कोर्स पेमेंट है उसको बॉन्ड करने का। अब हम चलते हैं मटेरियल की बात करते हैं, यानी क्लॉज नंबर 3.2, मटेरियल्स, प्राइम कोट का जो मटेरियल है जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं वो कैसा होता है। तो इसमें ये बता रहे हैं, द बिटुमिनस मटेरियल टू बी यूज प्राइमर शुड बी सच दैट इन कैन पेनिट्रेट डीप इनटू बेस कोर्स अबाउट 10 mm डेप्थ टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। बिटुमिन इमल्शन और मीडियम क्योरिंग कटवेक बिटुमिन कैन बी यूज एज प्राइमर। ठीक है, अब इसमें हम जो प्राइमर है उसमें हम बिटुमिनस इमल्शन यूज कर सकते हैं या कटबैक बिटुमिन। कटबैक बिटुमिन क्या होता है फ्रेंड, कटबैक बिटुमिन एक बिटुमिनस बिटुमिन ही होता है, इसमें हम केरोसिन को मिलाकर इसकी जो विस्कोसिटी है उसको कम कर देते हैं, जिससे जो स्प्रे है इसका इजीली हम कर सकते हैं। लेकिन कटबैक बिटुमिन आजकल यूज में नहीं होता है, इसमें हम जो बिटुमिनस इमल्शन होता है वही यूज किया जाता है। ठीक है, और जो प्राइम कोट हम करते हैं वो इस प्रकार से किया जाता है कि जो हमारी बेस कोर्स की लेयर है उसमें मिनिमम 10 mm की डेप्थ तक ये पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, इसलिए हम जो प्राइम कोट होता है वो उसकी विस्कोसिटी टेक कोट की तुलना में कम होती है, इसलिए जो पेनिट्रेशन की कैपेसिटी है प्राइम कोट की वो टेक कोट की तुलना में अधिक होती है। क्लॉज नंबर 3.2.2, कैटायनिक बिटुमिन इमल्शन SS1 ग्रेड सेल वी यूज एज प्राइमर। The quantity of SS1 grade bitumen emulsion for various type of granular subsurface shall be as per table number 1. Cutback should not be prepared in the field. देखिए, कटबैक बिटुमिन अगर आप बना रहे हैं केरोसिन मिक्स करके, जो बिटुमिन आप केरोसिन मिक्स करते हैं कटबैक बिटुमिन बनाते हैं, तो वो आपको फील्ड में नहीं बनाना, ये आपको इंडस्ट्रीज मेड मिलता है। और प्राइम कोट भी आपको इंडस्ट्रीज मेड ही मिलता है, इसका जो बिटुमिनस इमल्शन होता है प्राइम कोट का वो कैटायनिक होता है। कैटायनिक मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज वाला बिटुमिनस इमल्शन होता है। अब पॉजिटिव चार्ज की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि हमारा जो बेस कोर्स का एग्रीगेट होता है फ्रेंड, उस पे एग्रीगेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज वाला इमल्शन स्प्रे करेंगे तो प्राइम कोट और एग्रीगेट के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे अधिक अच्छा बनता है, इसलिए हम जो इस पर चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला बिटुमिन इमल्शन यूज करते हैं, जो कि स्लो सेटिंग वन यानी धीरे धीरे सेट होने वाला बिटुमिनस इमल्शन होता है।
अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की कि हम प्राइम कोट करेंगे वो आपको कितनी क्वांटिटी में करना है, ठीक है। तो टेबल नंबर वन समझते हैं, टाइप ऑफ सरफेसेस, डिफरेंट टाइप सरफेस पे हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहेगी प्राइम कोट की वो अलग अलग रहती है। जैसे अगर हमारा बेस WMM या WBM का बेस है तो रेट ऑफ स्प्रे उसके लिए हो जाएगी 0.7 से लेके 1.0 kg पर स्क्वायर मीटर एरिया, यानी एक स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा 0.7 से 1 kg हमें प्राइम कोट का स्प्रे करना होता है। अगर हमारा जो बेस है वो सीमेंट ट्रीटेड बेस है या स्टेबलाइज्ड बेस है तो वहाँ पर हमें प्राइम कोट की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे इसके लिए क्वांटिटी हो जाएगी 0.9 kg से लेके 1.2 kg पर स्क्वायर मीटर एरिया। और अगर हमारा बेस है वो ग्रेवल बेस है, क्रशर रन मैकाडम बेस है या क्रश्ड रॉक वाला बेस है तो वहाँ पे हमें जो क्वांटिटी है वो और बढ़नी है, जो क्वांटिटी हो जाएगी बढ़कर 1.2 kg से लेकर 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर एरिया। अब ये तो देखो बिटुमस इमल्सन हो गया। अगर हम कटबैक बिटुमेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कटबैक बिटुमेन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो स्प्रे क्वांटिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे WMM और WBM के लिए हो जाती है 0.6 से 0.9 kg, CTV सीमेंट ट्रीटेड बेस के लिए हो जाती है 0.9 से 1.2 kg, और CRM बेस या ग्रेवल बेस अगर है तो वहाँ पर ये स्प्रे क्वांटिटी हो जाएगी कटबैक बिटुमेन के लिए 1.2 से लेकर 1.5 kg। ओकेफ्रेंड, अब हम वेदरिंग, माफ़ कीजिए, जो वेदर एयर सीजनल लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि आपको मौसम के अकॉर्डिंग प्राइम कोट का वर्क किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, कटबैक बिटुमिन एस प्राइमर सेल नॉट बी अप्लाइड ऑन ए डैम्प और वेट सरफेस, बिटुमिन इमल्सन सेल बी अप्लाइड ऑन ए डैम्प सरफेस, सरफेस सेल बी जस्ट वेट एंड विथ वेरी लाइट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, प्राइमर सेल नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म रेनी फॉगी और विंडी वेदर, द एम्बियंट टेम्परेचर ड्यूरिंग प्राइम में बाय बिटुमिन इमल्सन शुड बी अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अगर हम कटबैक बिटुमिन यूज कर रहे हैं, कटबैक इमल्सन यूज कर रहे हैं तो हमें जो सरफेस है वो गीली सरफेस या वेट सरफेस पर नहीं करना है, लेकिन अगर हम बिटुमिन इमल्सन यूज कर रहे हैं तो वो हमारी वेट सरफेस पर किया जाता है। वेट सरफेस से मेरा कहने का यह है कि ऐसा नहीं कि आपकी सरफेस सैचुरेटेड हो। अगर आपकी सरफेस मान लीजिए कई बार ओस गिरती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो एस बेस कोर्स की लेयर है वो डैम्प हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है, तो वहाँ पर हम बिटुमिनस इमल्सन यूज कर सकते हैं लेकिन कटबैक बिटुमिन यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर हमारे जो साइट है वहाँ पर इस प्रकार का मौसम है कि वहाँ पर आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है या बारिश हो रही है, या जो हमारा एम्बिएंट का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तब हमें प्राइमर है उसका वर्क नहीं करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं, जब आप ये पैरा पढ़ेंगे, इस पैरा को मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो जानकारी वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि हम जहाँ पर प्राइमर कर रहे हैं उसकी जो चौड़ाई होती है, जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो 3 meters से कम होती है, तो वहाँ पर हमारा जो बिटुमिनस स्प्रे होता है वो नहीं चला पाते हैं, तो वहाँ पर हम हैंड स्प्रेयर की मदद से भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो यूज करेंगे वो SS1 ग्रेड का प्राइम कोट यूज करते हैं। आगे करते हैं बात प्रिपेरेशन ऑफ सरफेस की, द बेस कोट सरफेस टू बी प्राइम्ड सेल बी स्वेप्ट क्लीन एंड मेड फ्री फ्रॉम डस्ट, All loose material and other foreign material on the surface shall be removed completely. Power brooms or mechanical sweepers may be used. इनका मतलब ये है कि जिस भी सरफेस पर हम प्राइम कोट करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो, उस पर धूल के कण ना हो, कई बार कचरा आ जाता है उड़कर, तो कचरा अगर है तो आपको साफ करना है ब्रूमर्स की हेल्प से। मतलब कहने का मतलब यह है जिस भी सरफेस पर आप प्राइमर कर रहे हैं वो सरफेस हमारी क्लीन होना चाहिए, उस पर लूज मटेरियल या डस्ट नहीं होनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं, इफ सॉइल मुरम वाइंडर हैज बीन यूज इन द WBM सरफेस, पार्ट ऑफ दिस शुड बी ब्रश्ड एंड रिमूव्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2 mm सो एज टू प्रोवाइड गुड वॉन्ड। देखिए अगर हमने WBM कवर किया है और उस पर वाइंडिंग किया है मोरम से या किसी भी बाइंडिंग मटेरियल से हमने उसकी वाइंडिंग की है, तो हमें उस वाइंडिंग मटेरियल को 2 mm की डेप्थ तक क्या करना है, रिमूव करना है, फिर इसके ऊपर प्राइमर कवर करना है, ठीक है। और सेकंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, द डायल्यूशन ऑफ SS1 बिटुमिन इमल्सन इज नॉट परमिटेड, जो हमारा साइट पर प्राइमर के कंटेनर्स आते हैं, टैंकर्स आते हैं, उसका हमें
डाइल्यूशन नहीं करना है। इसमें क्या होता है, कई बार साइड पर पानी मिला दिया जाता है या दूसरे इमल्सीफायर मिला दिए जाते हैं, तो आपको ऐसा परमिट नहीं करना है। जैसी कंडीशन में हमारा जो टैंकर्स है या कैंस हैं जो हमारी साइड पर आई हैं, उनको बिना डाइल्यूशन किए ही आपको स्प्रे करना होता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ प्राइमर की। जो हमारा मटेरियल है प्राइमर के लिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं नो हीटिंग ऑफ SS1 बिटुमेन इमल्सन इज परमिटेड ऑन साइट। यहाँ पर आपको ये ध्यान जरूर रखना फ्रेंड कि आपका जो इमल्सन है वो SS1 है। SS1 जो प्राइमर होता है, SS1 जो बिटुमेन इमल्सन होता है, उसे हम प्राइमर में यूज करते हैं, और RS1 रैपिड सेटिंग का जो इमल्सन होता है उसे हम टैग कोट में यूज करते हैं। तो हम जब SS1 का बिटुमेन इमल्सन यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी हीटिंग नहीं करना, उसको गर्म नहीं करना है। पर अगर हम इन केस ऑफ कटबैक बिटुमेन, टेम्परेचर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर शुड बी हाई इनफ टू परमिट द प्राइमर टू बी स्प्रेड इफेक्टिवली थ्रू द जेट्स ऑफ द स्प्रे वार एंड टू कवर द बेस कोर्स सर्फेस इफेक्टिवली, द टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन शुड बी मोर देन 10 डिग्री। देखिए SS1 का जो इमल्सन है वो तो हमारा ईजिली स्प्रेयर जो होते हैं उनसे स्प्रे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा कटबैक बिटुमेन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या थोड़ा जेल टाइप का बन जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम उसको गर्म कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं। हीट आपको सिर्फ उतना ही करना है जिससे जो हमारा स्प्रेयर है उससे हमारा जो प्राइमर है या जो बिटुमिनस इमल्सन है वो आसानी से स्प्रे हो जाए और हमारा जो बेस कोर्स की लेयर उसका कवरेज ईजिली हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम रखते हैं। अब क्लॉज नंबर 3.3.6 एयर क्यूरिंग एंड ओपनिंग टू ट्रैफिक, द प्राइम सरफेस शैल बी अलाउड टू क्योर फॉर एटलीस्ट 24 आवर और एनी अदर हायर पीरियड एज इज फाउंड टू बी नेसेसरी टू अलाउ ऑल द मॉइस्चर और वॉलेटाइल्स टू एवोपोरेट बिफोर एनी सब्सिक्वेंट बिटुमिनस सरफेस ट्रीटमेंट और मिक्स इज लेट एक्सेसिव एंड अनऑब्जर्व प्राइमर इफ एनी शैल बी ब्लॉटेड विथ ए लाइट एप्लीकेशन ऑफ सेंट यूजिंग द मिनिमम क्वान्टिटी पॉसिबल। ए प्राइम सरफेस शैल नॉट बी ओपन फॉर ट्रैफिक अदर दैट नेसेसरी कंस्ट्रक्शन व्हीकल टू ले द नेक्स्ट बिटुमिनस कोर्स। प्राइम सरफेस जो है हमारे जिस पर हमने प्राइमर किया है उसको हमें मिनिमम 24 आवर्स के लिए छोड़ना है। इसको इसलिए छोड़ा जाता है फ्रेंड क्योंकि इसकी स्लो सेटिंग होने के कारण धीरे धीरे हार्डनिंग होती है, इसलिए इसको मिनिमम 24 घंटे के लिए आपको छोड़ना है। इसके अंदर अगर कोई वोलेटाइल्स मेटल है, कोई वेट है या डैम्पनेस है हमारे बेस में, तो डैम्पनेस हमारी चली जाए, ठीक है। और इसको प्राइम करने के बाद हमें जो एग्जिस्टिंग सरफेस है बेस कोर्स की उस पर ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना है। और जब आप इस पर एस्फाल्ट लेयर करेंगे या आप इस पर टैग कोट का स्प्रे करने जाएंगे तो सिर्फ आपको वही ट्रैफिक अलाउ करना है जो आपके कंस्ट्रक्शन में यूज में आने वाले हैं। क्वालिटी चेक्स क्या क्या करने हैं आपको जब आप प्राइम कोट का वर्क करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी क्वालिटी ऑफ बाइंडर की क्वालिटी आपको टेस्ट करना है। बाइंडर की क्वालिटी में आपको इसकी विस्कोसिटी टेस्ट करना है, वोलेटाइल मेटल टेस्ट करना है, इसमें अगर वाटर कंटेंट है तो वाटर कंटेंट का टेस्ट करना है। तो ये जो टेस्ट आपके रहेंगे वो एक टेस्ट आपको वन सेट ऑफ टेस्ट फॉर एक टैंकर या आप प्रति 10 टन पर आपको एक टेस्ट करना है। टेम्परेचर फॉर एप्लीकेशन आपको रेगुलर इंटरवल पर चेक करने हैं, ये आपको बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्प्रेड रेट ऑफ वाइंडर का टेस्ट करना आपको प्रत्येक 1000 स्क्वायर मीटर एरिया पे, ठीक है, और एटलीस्ट 2 टेस्ट आपको पर डे करना होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं टैग कोट की। टैग कोट के बारे में आपको समझा चुका हूँ, जो हमारी बेस कोर्स की लेयर है, प्राइम्ड बेस कोर्स लेयर और एस्फाल्ट लेयर है, उसको ये बॉन्ड करने का काम करता है। इसका मटेरियल कैसा होता है फ्रेंड, मटेरियल के बारे में आपको बता देता हूँ। द बाइंडर यूज फॉर टैग कोट सेल वी आदर कैटायनिक बिटुमेन इमल्सन RS1 कन्फर्मिंग टू द मटेरियल यूज फॉर टैग कोट सेल वी आदर कैटायनिक बिटुमेन इमल्सन RS1, यानी जो बिटुमेन इमल्सन रहेगा टैग कोट के लिए, ये हमें कैटायनिक बिटुमेन इमल्सन रैपिड सेटिंग वन वाला यूज करना है, यानी जल्दी से सेट होने वाला रैपिड सेटिंग वाला बिटुमेन इमल्सन यूज करना है, जिसकी लो विस्कोसिटी यानी इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम रहेगी। और पेविंग बिटुमेन BG10 ग्रेड कन्फर्मिंग टू IS 73
ग्रेड का ये होना चाहिए, यानी VG10 ग्रेड का बिटुमिन इमल्सन ये होना चाहिए। द यूज ऑफ कटवैक बिटुमिन RC7T इन कोल्ड क्लाइमेट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर साइट वेयर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रीचेस बिलो 0 डिग्री और फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन। अगर हमारी साइट पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तो वहाँ पर हमें कटवैक बिटुमिन को टैग कोट के लिए अलाउ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। और आगे हम बात करते हैं इसकी वेदरिंग और सीजनल लिमिट भी प्राइम कोट की तरह ही, अगर आपकी जो टेम्परेचर है एम्बियंट टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे है तब आपको इमल्सन बिटुमिनस स्प्रे नहीं करना चाहिए। जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी वो है टेबल नंबर 3 में रेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर टैग कोट के लिए, क्या रेट चाहिए, कितनी क्वांटिटी आपको एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सरफेस, अगर हमारी जो बिटुमिनस सरफेस है यानी कोई हमारी एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस है जिस पर हम ओवरले कर रहे हैं एसफाल्ट का तो उस पर हमें स्प्रे करना है बिटुमिनस इमल्सन 0.2 kg से लेकर 0.3 kg। और अगर हम कटबैक बिटुमिन यूज कर रहे हैं BG10 ग्रेड का तो उसमें हम स्प्रे करना है 0.3 से लेकर 0.4 kg। ग्रेनुलर सब बेस है, अगर हमारा सीमेंटेटेड बेस है या ग्रेनुलर सरफेस है तो वहाँ पर हमें स्प्रे करना होगा 0.25 से लेकर 0.30 kg। और कटबैक बिटुमिन करना होगा 0.35 से लेकर 0.45 kg। अगर हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट है, एग्जिस्टिंग पेमेंट है वो सीमेंट कॉन्क्रीट है तो वहाँ पर हमें जो बिटुमिन इमल्सन यूज करना है टेक कोट के लिए वो है 0.3 से 0.35 kg। और कटबैक बिटुमिन हमें लेना है 0.40 से लेकर 0.50 kg। ये जो जानकारी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रेंज ऑफ स्प्रेइंग टेम्परेचर फॉर ए बिटुमिनस इमल्सन सेल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर ए कटबैक 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इफ RC70 MC70 इज यूज। इन केस ऑफ कटबैक बिटुमिन टेम्परेचर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर शुड बी हाई एनफ टू परमिट द टेक कोट टू बी स्प्रेड इफेक्टिवली थ्रू द जेट्स ऑफ द स्प्रे वार एंड टू कवर द बेस कोट सर्फेस यूनिफॉर्मली। इन केस ऑफ द यूज ऑफ पेविंग ग्रेड बिटुमिन विस्कोसिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सेल बी लेस देन 2 poise सो दैट स्प्रेइंग इज यूनिफॉर्म। जब स्प्रे आप कर रहे होंगे तो इसकी जो विस्कोसिटी है इसकी विस्कोसिटी लेस देन 2 poise आपको मेंटेन करके चलनी है। अब नॉर्मल रेंज जो टेम्परेचर की रहेगी जनरली जो हम फील्ड पर करते हैं तो इसका टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं जो कि जनरली हमारा 30 to 40 degree centigrade हमारा साइट पर मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर हम कटवैक बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका टेम्परेचर 50 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना होगा जिससे जो स्प्रे होगा कटवैक बिटुमिन का वो हमारी जो बेस हमारी एग्जिस्टिंग प्राइम सरफेस उस पर ईजिली हो जाए। क्लॉज नंबर 4.3.6 क्योरिंग और टैग कोट। टैग कोट को कितनी देर के लिए आपको छोड़ना है, क्योरिंग से मतलब इसको सूखने के लिए कितना टाइम आपको देना है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन एज टैग कोट अलाउ द बिटुमिन इमल्सन टू ब्रेक टर्न ब्लैक बिफोर प्लेसिंग द बिटुमिनस मिक्सचर और ओवरले। ट्रैफिक शुड बी केप्ट ऑफ द एरिया वेयर टैग कोट इज बीइंग स्प्रेड। नो प्लांट और व्हीकल शैल बी अलाउड ऑन द टैग कोट अदर देन दोज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन। देखिए जब हम टैग कोट या प्राइम कोट टैग कोट करते हैं फ्रेंड तो टैग कोट का जब आप कलर देखेंगे तो ये ब्राउन कलर होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको स्प्रे कर देंगे तो स्प्रे करने के बाद जब ये एयर से रिएक्शन करता है या सूखता है तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो आपको तब तक वेट करना है एसफाल्ट लेयर करने के पहले कि जब तक इसका जो कलर है वो ब्लैक ना हो जाए। कलर ब्लैक हो जाएगा मतलब आपका जो टैग कोट है वो क्योर हो चुका है और इस पर आप एसफाल्ट लेयर कर सकते हैं। इस पर आपको ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है जब तक कि आपका जो एसफाल्ट लेयर है इसके ऊपर ये नहीं हो जाता है। क्वालिटी चेक्स क्या क्या करना फ्रेंड, क्वालिटी ऑफ बाइंडर टेस्ट करने हैं आपको जो कि विस्कोसिटी हो सकता है या इसका फ्लैश पॉइंट आप कर सकते हैं टेस्ट, और इसमें कोई वोलेटाइल्स मेटल है तो उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको टेस्ट करना है पर टैंकर पे एक टेस्ट करना है या 10 टन पे आपको ये टेस्ट आपको रिपीट करना होगा। बाइंडर टेम्परेचर और फॉर एप्लीकेशन आपको टेस्ट करना है रेगुलर इंटरवल पर यानी कि आपको रेंडमली ये टेस्ट करना है। रेट ऑफ स्पीड ऑफ बाइंडर जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं उसका टेस्ट आपको पर 1000 square meter एरिया पर एक टेस्ट आपको या कम से कम 2 tests आपको पर डे करना होते हैं। कुछ और ज़रूरी जानकारी जैसे क्वालिटी टेस्ट फॉर टैग कोट एंड प्राइम कोट अपेंडिक्स 1 यानी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन केस ऑफ बिटुमिन इमल्सन रेसिड्यू ऑन 600 microns sieve
विस्कोसिटी टेस्ट एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट साइट इन केस ऑफ कटबैक बिटुमिन. विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश पॉइंट टेस्ट एंड रेसिड्यू टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट साइट इन केस ऑफ पेविंग ग्रेड बिटुमिन. विस्कोसिटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 160 डिग्री सेंटीग्रेड शैल बी डिटरमाइंड. देखिए हम इसका जब सेविंग करेंगे, जो बिटुमिनस इमर्सन चाहे वो प्राइम कोट हो या टेक कोट हो, ठीक है, इसको आपको जब सेविंग करेंगे 600 माइक्रोन पर, तो अगर उस पर 600 माइक्रोन पर कुछ रेसिड्यू रिटेन हो रहा है, कोई मटेरियल रुक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका विस्कोसिटी टेस्ट और स्टोरेज स्टेबिलिटी टेस्ट करना होगा, ठीक है. और अगर हम कटबैक बिटुमिन यूज कर रहे हैं फ्रेंड, तो कटबैक बिटुमिन के लिए आपको विस्कोसिटी टेस्ट करना है, फ्लैश पॉइंट टेस्ट करना है और रेसिड्यू टेस्ट आपको करना होगा. इन केस ऑफ पेविंग ग्रेड बिटुमिन अगर आप ले रहे हैं, तो आपको विस्कोसिटी इसकी 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेस्ट करनी होगी. और जो अगली ज़रूरी जानकारी है वो है फ्रेंड इसके स्प्रेड रेट टेस्ट के बारे में, ठीक है. स्प्रेड रेट टेस्ट के बारे में हम समझते हैं. मेथड ऑफ टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ वाइंडर फ्रॉम प्राइम कोट एट टैक कोट, यानी जो आप टेस्ट करेंगे, स्प्रेड रेट टेस्ट करेंगे, यानी कितना स्प्रे आपका हो रहा है पर स्क्वायर मीटर एरिया या पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में, तो आपको टेस्ट करने के लिए गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं. एल्यूमिनियम और अदर लाइट मेटल ट्रे ऑफ 200 mm by 200 mm साइज एंड 20 mm डेप्थ आर टू बी यूज्ड. ए सेट ऑफ 3 प्लेट्स इज इसेंशियल फॉर वन टेस्ट. All the plates are to be weighed and numbered. These are placed at interval of 10 meter along the road in the path between wheels of bitumen distributor. After the distributor cross a length of 50 meter, trays are to be removed and wrapped in weight polythene bags so that these can be handled, stocked safely for further weighing in laboratory. The tray shall be weighed to first place of decimal. Similarly, transfer distribution of liquid bituminous material can be checked by placing 3 numbers of plates at interval of 50 cm in the path of binder bituminous spraying equipment. ये जो ट्रे आप लेंगे, आप मान लीजिए ये हमारी एक रोड है, ठीक है, और ये रोड की हमारी डायरेक्शन है. ओके, अब हमें इस पर स्प्रेड रेट टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रे हमें लेना है 200 cm, 20 cm by 20 cm और 2 cm की डेप्थ वाली ट्रे लेना है. और इसको इस प्रकार से रखना है कि हमारी एक ट्रे है राइट में, एक सेंटर में और एक लेफ्ट में, ठीक है, इस प्रकार से आपको रखना है. अब ये जो इंटरवल्स रहेगा, ये जो आप बीच की जो डिस्टेंस देख रहे हैं, आपको 10 मीटर की डिस्टेंस पर आपको रखना है. और उसके ऊपर जो स्प्रेयर है, स्प्रेयर को इसके ऊपर से आपको पासिंग कराना है, ठीक है. तो इससे पासिंग जब कराएंगे, तो स्प्रेयर से जो इमल्सन निकलेगा बाहर, वो हमारी जो ट्रे है इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है. फिर जब हमारा स्प्रेयर वो 50 मीटर से दूर चला जाए, तो हम ये ट्रेज हैं, जो ट्रे हैं उसको ऊपर उठा लेते हैं. ऊपर उठाने के बाद हम इसको वेट कर लेते हैं, और वेट करने से हम इसका कितना इमल्सन इस ट्रे में कलेक्ट हुआ है उसको हम ट्रे के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो बिटुमिन स्प्रे रेट है वो टेस्ट हो जाती है, ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. अब हम अगर बात करें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब हमारी ये जो डायरेक्शन है, जो चौड़ाई वाली डायरेक्शन है, इसमें स्प्रेड रेट टेस्ट करना है. तो हमें इसी प्रकार से 3 ट्रे लेनी है, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो 50-50 cm पे हमें रख देनी है, और फिर से इसको स्प्रे को इसके ऊपर से पास कराना है. और फिर से वही सिचुएशन, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है. स्ट्रे के अंदर जो बिटुमिन इमल्सन कलेक्ट हुआ है उसका वेट कर लेना है, और उससे हम रेट ऑफ स्प्रे टेस्ट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. फेसबुक पर भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय.